ये समय तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के तरावड़ी से, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सालों पुरानी मांग आखिरकार आज पूरी हो गई है और रेलवे अंडरपास का शिलान्यास कार्यक्रम में आज पहुंचे हैं भगवान दास कबीरपंथी विधायक तरावड़ी नीलोखेड़ी और उनके साथ मौजूद है सांसद की पत्नी। और आप देख सकते हैं कि सालों पुरानी यह मांग थी जिसको आखिरकार आज पूरा कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल से आप देख सकते हैं, जहां पर हम आपको बताएं कि 2010 से इसकी मांग उठ रही थी। तरावड़ी में रेलवे अंडरपास नहीं था और रोजाना यहां पर काफी बड़ी बड़ी सड़क दुर्घटनाएं यहां पर हो चुकी है जिसमें कई लोगों की जान तक जा चुकी है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सालों पुरानी मांग आखिरकार आज पूरी होती हुई नजर आ रही है और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, आज करनाल के अंदर हमारे परम आदरणीय सांसद जी इंद्रम पत्नी किरण चोपड़ा जी त्रावड़ी के अंदर पधारे। ये तस्वीरें समय लाइव आप देख सकते हैं और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। सालों पुरानी मांग आखिरकार त्रावड़ी हलके की पूरी होती हुई नजर आ रही है। रेलवे अंडरपास की यह मांग है, बड़ी बरसों से मांग जो आज पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर सबसे लोकप्रिय विधायक श्री भगवान दास कबीरपंथी जी के नेतृत्व में अपने माननीय सांसद साहब करनाल से, जिन्होंने त्रावड़ी की बड़ी लंबी अरसों से मांग थी इस रेलवे के अंडरब्रिज पास की, और ये आपकी मांग बड़ी खुशी खुशी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि सालों पुरानी मांग आखिरकार आज पूरी हो गई है और किस तरह से भगवान दास कबीरपंथी जो स्थानीय विधायक है उनके प्रयासों के बाद आखिरकार आप देख सकते हैं कि आज शिलान्यास कार्यक्रम यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है और आज जो है शिलान्यास किया जा रहा है। ये तस्वीरें लाइव आप देख सकते हैं करनाल के तरावड़ी हल्का के रेलवे स्टेशन से, जहां पर एक अच्छी शुरुआत यहां पर होती हुई और जिसमें सांसद की पत्नी किरण चोपड़ा भी यहां पर मौजूद है। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें करनाल के तरावड़ी से आप देख सकते हैं, जहां पर सालों पुरानी मांग कई सामाजिक संस्थाएं लगातार सालों से प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आखिरकार आज इस मांग को पूरा कर दिया गया है जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, जहां पर स्थानीय विधायक भगवान दास कबीरपंथी यहां मौजूद है जिनके प्रयासों के बाद कहीं ना कहीं तरावड़ी को आज रेलवे अंडरपास मिलता हुआ नजर आ रहा है। नंबरदार जितने भी हमारे बीच में इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हुए, हमारे बीच में त्रावड़ी मंडल से महिला मोर्चा से पूरी टीम बहन संगीता जी की नेतृत्व में यहाँ पर पहुंची, इनका भी सहयोगिता की नेतृत्व में पहुंची, इनका भी यहाँ पर हम ताली बजाकर स्वागत करते हैं। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि आज त्रावड़ी के अंदर कितने विकास के कार्य आपके बीच में श्री भगवान दास कबीरपंथी जी विधायक हल्का नीलोखेड़ी के नेतृत्व में होने जा रहे हैं और कितने हो चुके हैं, तो बड़ी खुशी की बात है मेरे साथियों कि आज से पहले पिछले अगर 50-60 साल की बात करें, तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से सालों पुरानी मांग आखिरकार आज पूरी कर ली गई जिसमें स्थानीय विधायक और सांसद पत्नी किरण चोपड़ा यहाँ पर मौजूद है, पंकज गोयल यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक सालों पुरानी जो मांग थी उसको आखिरकार आज पूरा कर लिया गया और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें। त्रावड़ी अंडरपास की मांग सालों से चली आ रही थी जिसको आज पूरा कर लिया गया है। ये लाइव तस्वीरें करनाल के त्रावड़ी से आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी स्वागत और धन्यवाद करते हुए स्थानीय विधायक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो साथियों, अभी ये शिलान्यास कार्यक्रम समारोह हमारे बीच में हमारे आदरणीय बहन किरण चोपड़ा जी और हमारे साथ में पूरे हरियाणा के सबसे लोकप्रिय विधायक श्री भगवान दास कबीरपंथी जी के नेतृत्व में आज ये रेलवे का जो कार्यक्रम ये शिलान्यास हुआ और हमारे त्रावड़ी के अंदर जितने भी हमारी ये मार्केट थी, ये पूरी रेलवे की जिसकी वजह से हम परेशान थे, इनकी जोरदार मांग थी और हमारे भाई साहब श्री भगवान दास कबीरपंथी जी ने इन मांगों को परिपूर्णता से हमारे सांसद जी के नेतृत्व में ये पास की और संताली बजाकर दोबारा साथियों सम्मान करेंगे। मेरे साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि त्रावड़ी के अंदर
माननीय सांसद जी पहुंच चुके जी, मेरे सभी साथियों के, मेरे भाइयों के चरणों में इस सेवादार की बेनती, कृपया करके वो अपना अपना स्थान लें। मेरे साथियों अपना अपना स्थान लें। अभी हमारे बीच में बड़े ही वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता हमारे मास्टर अमर सिंह जी, हमारे बीच में हमारे मंडल के अध्यक्ष देवेंद्र कामरा जी, हमारे बीच में और जिला महामंत्री, हमारे बीच में मंडल के महामंत्री रणजीत सिंह भारद्वाज जी, रुपिंदर सिंह मिश्रा जी जो चेयरमैन साहब हैं, और भी सारे दूर दराज से जितने भी जिसका नाम ले मेरे साथियों, सभी का, अंकित गोयल जी सभी का नाम लेकर के भी, और सभी पार्षद, सभी मेंबर पंचायत, सभी सरपंच, सभी नंबरदार, सभी ब्लॉक समिति मेंबर, और जो भी खासकर त्रावणी नगरवासियों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी, आपके लिए शुभचिंतक बातें, और आपके विधायक श्री भगवान दास कबीरपंथी जी ने दिन रात एक कर करके आपके बीच के अंदर दुख में सुख में विकास के कार्य में साथियों, इस विकास के कार्य की छड़ी लगा रखी साथियों, दोबारा फिर ताली बजाएं साथियों, दोबारा फिर ताली बजाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी हमारे बीच में स्वागत समारोह के लिए देवेंद्र कामरा जी आए और अगली कार्रवाई रखें। हाँ जी बन्नी जी, मंच पर उपस्थित लोकसभा करनाल के सांसद, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण चोपड़ा जी, हल्का के लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता मास्टर अमर सिंह जी, नगर पालिका बरावड़ी के उप प्रधान पंकज गोयल जी, भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता श्रीराम जी, श्री धोकराम जी, आतम प्रकाश जी, प्रेमपाल जी, और द्रावड़ी से सभी पार्षद जो यहाँ पर पहुंचे हैं, निगरानी कमेटी के चेयरमैन रुपिंदर मिश्रा जी, आज जो ये घड़ी है द्रावड़ी की बहुत ही बहुत प्रतीक्षित बहुत बड़ी मांग, जो भलाई अंडरब्रिज का शिलान्यास आज भगवान दास कबीरपंथी जी और किरण चोपड़ा मैडम जी के द्वारा किया गया है, इनका मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूँ, और शहर के सभी वासियों को इसका, इस तरावड़ी शहर के लगभग सभी लोगों को बहुत ही बड़ा लाभ मिलेगा, उन लोगों को बहुत ही बधाई देता हूँ, धन्यवाद। तो ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा त्रावड़ी हलका यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि सालों पुरानी मांग आज आखिरकार पूरी होती हुई नजर आ रही है, और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आज पूरे त्रावड़ी हलके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि शिलान्यास समारोह कार्यक्रम रेलवे अंडर पास रेलवे अंडर पास की आखिरकार मांग आज पूरी होती हुई नजर आ रही है। हमारे शहर के समाज सेवी और मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन श्री पंकज गोयल जी से निवेदन करूंगा कि अपने विचार रखें। भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब यहां पर एक बहुत ही बड़े उद्घाटन, जिसके कि त्रावड़ी शहर के लोगों को बहुत सख्त जरूरत थी, और वर्षों से हमारी ये मांग थी कि ये अंडरब्रिज हमारा शहर के लिए बनना चाहिए, जिस हिसाब से यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है उस हिसाब से जय करें कि आवाज बहुत कम है। मैं कह रहा हूँ कि कम से कम जहाँ तक भी हमारी आवाज जाए, चाहे कोई आसपास की दुकानों में भी बैठा हो, भले ही यहाँ पर उपस्थित ना हो, तो कम से कम भारत माता की जय का नारा जरूर लगाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आज सबसे पहले तो मैं हमारे त्रावड़ी नगर में आने पर हमारे माननीय एमपी साहब श्री अश्विनी चोपड़ा जी की धर्मपत्नी, हमारी बड़ी बहन श्रीमती किरण चोपड़ा जी, और हमारे हलके के विधायक हमारे बड़े भाई साहब श्री भगवान दास कबीरपंथी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मास्टर अमर सिंह जी, और त्रावड़ी शहर के सभी धार्मिक संस्थाएं उनके जो आए हुए हैं मेम्बरगण, हमारे सभी पार्षद, सभी गांवों के सरपंच, सभी चेयरमैन,
सभी का आने पर मैं यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो त्रावड़ी शहर से और आसपास के गांवों से आए हुए हैं मेरे भाई बुजुर्ग बंधु सभी का यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आप सभी को मालूम है कि पूरे 5 साल से केंद्र के अंदर और राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और आपने 4 साल के अंदर त्रावड़ी के अंदर ही इतना फेरबदल देखा होगा कि जो पूरे 40-50 सालों में नहीं देखा होगा। क्योंकि मैं आपको त्रावड़ी के विषय में सिर्फ 2 मिनट की और जानकारी देना चाहता हूँ कि त्रावड़ी ने त्रावड़ी नगर के अंदर वैसे त्रावड़ी चावल की नगरी के नाम से पूरे वर्ल्ड के अंदर मशहूर है, लेकिन जब भी हमारे कोई इम्पोर्टर भाई यहाँ पर आते थे तो त्रावड़ी गांव करके बोला जाता था, लेकिन आज उसका अस्तित्व चेंज हो चुका है। त्रावड़ी में आने के बाद हमारे इम्पोर्टर भाई बोलते हैं कि क्या ये वही त्रावड़ी है जहाँ हम 4 साल पहले आया करते थे। तो मैं उसके लिए उस चीज के लिए अपने विधायक श्री भगवान दास जी का और मान्य अपने लोकसभा के जो हमारे सांसद जी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। त्रावड़ी के भारतीय जनता पार्टी की एक रीत रही है कि जहाँ पर भी उद्घाटन होता है उद्घाटन करके कभी पत्थर रहता नहीं है, तुरंत अगले दिन से उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है। त्रावड़ी शहर के अंदर आप सभी को मालूम है कि राजकीय महाविद्यालय कॉलेज जिसका जिस दिन हमारे वहाँ पर पत्थर लगा था उसी दिन उस पर काम स्टार्ट हो गया था और 80% हमारा कॉलेज का भवन बन करके तैयार हो गया है। क्योंकि 35 वर्षों से ये हमारी त्रावड़ी की डिमांड थी, जो माननीय विधायक जी के और हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी के आशीर्वाद से ये पूरा हुआ है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस मंच के माध्यम से त्रावड़ी नगर के जो विकास हुआ है उनका धन्यवाद करते हैं। जीती रोड से जब हम त्रावड़ी आते थे तो बिल्कुल अंधेरा होता था, बिल्कुल अंधेरा, अकेले व्यक्ति को आने में भी डर लगता था, लेकिन आज हमारी बहू बेटी रात को अगर 2 बजे भी आती है तो पूरे जीती रोड से पूरे त्रावड़ी के अंदर पूरा जगमग होता है, उसको सेफ्टी पूरी तरफ से मिलती है और आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती। त्रावड़ी में बस स्टैंड की सुविधा नहीं थी, बस स्टैंड हमारा स्टार्ट हो चुका है जीती रोड के ऊपर और मेरे को लगता है कि 6-7 महीने के अंदर वो भी बन करके हमारा तैयार हो जाएगा। करनाल की तरफ पर हमने त्रावड़ी के अंदर मुगल कनाल बनाया है 6 करोड़ रुपए की लागत से। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो मुगल कनाल अभी तक बन चुका है विधायक जी के प्रयासों से जितना मुगल कनाल बन चुका है उससे डबल मुगल पास और पास हो चुका है और उससे आगे डबल और अभी नेक्स्ट मंथ में अप्रैल के अंदर वो भी शुरू हो जाएगा। और त्रावड़ी के अंदर इतने काम हो चुके हैं, त्रावड़ी का थाना अगर आप थाना देख लो ना तो मैं कहता हूँ कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा थाना नहीं है जो त्रावड़ी के अंदर थाना है। डबल स्टोरी ड्यूप्लेक्स कोटा स्टोन, कहाँ थाने होते थे ऐसे कि कोटा स्टोन उत्तर पड़े, ये सब हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे जो विधायक हैं उनका प्रयासों से ये सब सफल हुआ है। इतने बाईपास हमने निकाल दिए विधायक जी ने हमारे त्रावड़ी के अंदर कि एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर जाना हो 2 मिनट लगते हैं और बिना ब्रेक के। आसपास के नीलो खड़ी के पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितनी सड़कों की शुरुआत हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे विधायक जी को की है उतने किसी किसी विधायक को नहीं मिली। इसका कारण ये है कि हमारे विधायक जी ना दिन सोते हैं ना रात सोते हैं, 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा की तरह आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। आप 1 घंटे मारो विधायक जी का फोन 1 मिनट में उठता है और आपकी जो कंप्लेंट होती है उसका तुरंत निदान होता है। कभी भी विधायक जी के मन में ये नहीं आया है कि ये मेरी पार्टी का है या दूसरी पार्टी का है। एक चीज और खासियत जो मैंने इनकी नोट की है कि मेरा काम भले ही हो ना हो अगर कोई विपक्ष का आदमी आ गया इनके पास काम लेके उसका काम सबसे पहले होता है, ये इनकी मतलब मैं तो खुद ही कहूंगा कि सबके काम समान रूप से करते हैं। मैं अपनी ओर से आप सभी की ओर से आज जो ये बड़ा उद्घाटन हुआ है सभी को त्रावड़ी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपने विधायक जी का माननीय चोपड़ा जी का हमारी बहन जी आइए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद। धन्यवाद पंकज गोयल जी। अब हमारे पार्षद सेठी पाल जी एक कविता द्वारा हमारे आए हुए मेहमानों का स्वागत करेंगे। सेठी पाल जी आदरणीय यहाँ पर पहुंचे हमारे एमपी साहब, विधायक साहब, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरे भाई, आज हमारे त्रावड़ी का एक ये दूसरा जन्म है, हमारे त्रावड़ी का ये दूसरा जन्म है। अब तक हम जेल में रह रहे थे, सभी
सबसे बड़े तो हमारे भाई भगवान दास जी, जो लोकप्रिय जन जन के दिलों में बसे हैं, जिन्होंने हमारे शहर के लिए एक त्रावड़ी का दूसरा जन्म दिया, उसके लिए एक बार जोर से ताली बजाइए। और उसी के साथ एक शेर ने लिखा है कि कहते हैं कि जीत की खातिर एक जुनून चाहिए। क्या लिखा? जीत की खातिर एक जुनून चाहिए, जिसमें उबला ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जब इंसान कोई इरादा कर लेता है, क्यों नहीं वो हल होता, हो सकता है। और आइए, जो हमारे देश ने अब पाकिस्तान पर किया है, उसके लिए एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है, वो उसको मैं गाकर आप लोगों के सामने समझ करूंगा। मेरे साउंड वाले भैया एक बार चालू करना। ये तस्वीरें समय आप देख रहे थे करनाल के पाकिस्तान को लेकर किस तरह से कविता एक कवि द्वारा पेश की जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सालों पुरानी मांग है, आज पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे रेलवे अंडरपास के बारे में? हमें इस अंडरब्रिज की काफ़ी टाइम से ही हम इसका प्रयास कर रहे थे, और हमें काफ़ी सालों से कांग्रेस के टाइम से हम इसके प्रयास कर रहे थे कि हमारा अंडरब्रिज पास हो पाए, बट कभी नहीं हो पाया। बट आज हम ये कहना चाहेंगे कि भगवान दास कबीरपंथी जी के चलते हुए यह कार्य हमारा आज सफल हो सका है, और इसके लिए हम वेरी थैंकफुल टू कबीरपंथी जी की, और भगवान दास कबीरपंथी जी जिनकी वजह से जो अंडर पास होगा हमें इसकी काफ़ी सहूलत मिली है, और हमें सब कुछ ठीक रहेगा। थैंक यू सो मच। देख सकते हैं कि तकरीबन लोग यहाँ पर काफी स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? रेलवे अंडरपास की जो मांग थी वो आखिरकार आज स्थानीय विधायक द्वारा पूरी करा ली गई। भगवान दास कबीरपंथी जी बहुत ही अच्छे हमारे विधायक है, बहुत ही लोकप्रिय विधायक है, बहुत काम त्रावड़ी में किया है, बहुत ज्यादा त्रावड़ी वासियों की बहुत पुरानी मांग थी, जो कई सरकारें किसी के पास नहीं हुई, पूरी हमारे विधायक जी ने पूरी की ये मांग त्रावड़ी की। त्रावड़ी में बहुत बहुत ज्यादा काम है, आज तक किसी ने ना कराया ना कोई कराएगा जी। बहुत हादसे होते थे, इससे बहुत ही त्रावड़ी वासियों को बहुत सहूलत मिलेगी, यहाँ आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से आते बहुत ज़्यादा हादसे होते थे। तो ये तस्वीरें समय आप देख रहे हैं करनाल के त्रावड़ी से, जहाँ पर हम आपको बता दें कि सालों पुरानी मांग त्रावड़ी हल्के के लोगों के लिए पूरी हो चुकी है, क्योंकि सालों से यह मांग चली आ रही थी कि करनाल के त्रावड़ी रेलवे स्टेशन पर अंडरपास होना चाहिए, क्योंकि लोगों को किस तरह से पटरियों को क्रॉस करके जाना होता था, और जिस कारण काफ़ी हादसे जो है यहाँ पर पेश आते थे। और 2015 में जब बीजेपी की सरकार बनी, तब से इसकी मंजूरी को लेकर जो त्रावड़ी हल्के के लोग हैं वो स्थानीय विधायक भगवान दास कबीरपंथी से मिले, और जो स्थानीय जो सांसद हैं करनाल लोकसभा सीट से चोपड़ा उनसे मिले, उसके बाद परमिशन हुई, और आज आखिरकार शिलान्यास कार्यक्रम आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से सालों पुरानी मांग जो 2010 से चली आ रही थी वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। इस समय लाइव तस्वीर आप करनाल के त्रावड़ी से देख रहे हैं, और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और कोशिश करते हैं कुछ ही देर में जो स्थानीय विधायक है भगवान दास कबीरपंथी उनसे भी बातचीत करने की। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप त्रावड़ी हल्के से देख सकते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के त्रावड़ी हल्के से आप देख सकते हैं, जहां पर सालों पुरानी मांग त्रावड़ी अंडरपास की शुरू हो चुकी है। हमारे सांसद की धर्मपत्नी श्रीमती किरण चोपड़ा जी, हमारे हल्के के विधायक श्री भगवान दास जी, जो हरियाणा के अंदर ऐसे विधायक बने हुए हैं जो हरियाणा के अंदर नीलोगढ़ के जिलों की धड़कन बने हुए हैं, और मैं इनसे अनुरोध भी करूंगा एक मिनट के लिए इधर मेरे पास आ जाएं, तो बड़ी कृपा होगी इनकी। जब आप चुनाव के दिन थे प्रचार में जाया करते थे, तो मैं अक्सर एक नारा लगाया करता था, जो नहीं हुआ आज तक, जो नहीं हुआ आज तक आज होना चाहिए, किसी मेहनत करके सर पे ताज होना चाहिए। तो मेरे हल्का के निवासियों, मेरे से बेहतर आप जानते हो, मेरे हल्का के निवासियों, मेरे से बेहतर आप जानते हो, जिस लगन से आपने इनको विधायक बनाया,
इनको विधायक बनाया, इन्होंने हमारी अपेक्षाओं से पढ़ करके हमारे को दिया। आप इलाके के अंदर घूम कर देखो, हमारे कोई भी गांव देखो जिसके अंदर तस्वीर बदली हुई नजर नहीं आएगी। हर प्रकार से हमने अपने आप को आगे बढ़ाया, हल्के की तरक्की के लिए पता नहीं इन्होंने कितनी मेहनत की है उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। हमारी वर्षों पुराने शराबी की कई मांगे थी, कॉलेज बना, सराश में पहले बता चुके हैं, वो कॉलेज बना, थाना बना, बस स्टैंड बन रहा है, बागवानी इंदन खाली के अंदर बागवानी यूनिवर्सिटी बनी, गुरुकुल। तो तस्वीरें समय आप देख रहे थे करनाल के तरावड़ी से, जहां पर हम आपको बता दें कि सालों पुरानी मांग आखिरकार रेलवे अंडरपास की आज पूरी हो चुकी है। और लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे कि किस तरह से जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी हादसे यहाँ पर होते थे लेकिन सालों पुरानी मांग आखिरकार आज पूरी कर ली गई है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने साल पुरानी मांग करनाल के तरावड़ी के लोगों की है थी? ये तरावड़ी के लोगों की 6 से 7 साल पुरानी मांग है जो हमारे विधायक जी के प्रयासों के द्वारा संभव हो पाया है। हमारे भाई भगवान दास जी विधायक ने सारे तरावड़ी वासियों की आशा से बढ़ के कार्य किया है, इसके लिए हम उनका और माननीय सांसद अश्विनी चोपड़ा जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कुछ और लोग हैं उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी सालों पुरानी मांग थी? क्योंकि रोजाना हम भी देखा करते थे रेलवे क्रॉसिंग के दौरान कई हादसे होते थे, लेकिन अगर ये अंडरपास समय पर बन जाता है तो कहीं ना कहीं हादसों से बचा जा सकता है। ये वर्षों पुरानी मांग थी हमारे तरावड़ी शहर की, और भी बहुत सी मांगे थी तरावड़ी की जो हमारे विधायक साहब ने बहुत अच्छे से पूरी करवाई हैं। जो लोगों ने कहा था उससे ज़्यादा मिला है यहाँ पे, हम चाहेंगे ऐसा विधायक हमारे को बार बार मिले। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रेलवे अंडरपास की जो मांग थी वो आखिरकार पूरी हो चुकी है। तो कुछ और लोग हैं उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, सालों पुरानी मांग जो है वो आखिरकार आज पूरी कर ली गई है? तरावड़ी की बहुत पुरानी मांग थी और पिछली सरकार से ही ये कोशिश थी और इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी इनको, क्योंकि कई रुकावटें आई इस अंडरब्रिज बनने में। तो इसमें ये सराहना करनी होगी हमारे विधान, इसमें जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी भी और हमारे विधायक जी की भी, इन्होंने बड़ी अच्छी कोशिश की और जैसे भी है कम्प्रोमाइज़ करके ये पुल को जो काम है सिरे चढ़ा देख रहे थे, ये नहीं बन पा रहा ये तो कई सालों से है जी। पिछली सरकार से अरविंद शर्मा के नाम उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, पिछले जो हमारे MP थे, लेकिन ये बात बन नहीं पाई और इस बार जो है ये सफल हुए इस करने में। हादसे तो अब भी होते थे? हाँ हाँ, हादसे तो अब भी हो रहे हैं जी, क्योंकि अंडर जो ब्रिज है ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो छोटी व्हीकल है वही मार खाती है ऊपर। जितने बड़ी व्हीकल हैं, जो बसें हैं या ट्रक हैं या टेम्पो हैं, उनसे जो छोटा व्हीकल है, टू व्हीलर है, वो निकल नहीं पाता था, ऊपर तंग है पुल, तो उसकी वजह से। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सालों पुरानी जो मांग थी अंडरपास का काम जो है शुरू हो चुका है। उम्मीद करेंगे कि तेजी से यह काम पूरा हो और सालों पुरानी जो मांग है वो कहीं ना कहीं जो तरावड़ी हल्के की चल रही थी उसको जो है पूरा किया जा सके। बड़े मान और सम्मान के योग हमारे संसद की धर्मपत्नी मैडम किरण चोपड़ा जी, हमारे हल्का के विधायक भाई भगवान दास जी कबीरपंथी, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता मास्टर अमर सिंह जी, हमारे द्रावड़ी मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई देवेंद्र कामरा जी, हमारे किसान मोर्चा के जिला में उपाध्यक्ष भाई बजिंदर सिंह राणा जी, भाई रणजीत जी व तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, आज बड़ा ही सौभाग्य है कि विधायक जी के अथक परिश्रम से और हमारे मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से जो हमारी बरसों पुरानी मांग थी अंडरब्रिज की वो आज पूरी हुई, उसके लिए मैं विधायक जी को पूरे नीलमखेड़ी हल्का की तरफ से हली द्रावी दी, क्योंकि इस रास्ते का सभी को फायदा होगा, इसलिए मैं पूरे नीलमखेड़ी की जनता की तरफ से विधायक जी और किरण चोपड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनसे उम्मीद करता हूं कि हमारी जो भी मांगें इस क्षेत्र की हैं वे एक भी पेंडिंग नहीं रहेगी। आप देख ही रहे हो आज से 22 साल पहले GT रोड के ऊपर भजन लाल ने एक पत्थर लगाया था, आज भी वो पत्थर पत्थर है लेकिन कोई कॉलेज नहीं बन सके। माननीय विधायक जी के परिश्रम से हमारे हलके में इस बार 2-2 कॉलेज मिले हैं और मैं तो 2 क्यों कहूं बल्कि 4 कॉलेज, एक बागवानी विश्वविद्यालय जो पूरे इंडिया के अंदर 2 थे, तीसरा हमारे हलके में है, और इंजीनियरिंग कॉलेज, शिक्षा का तो हमारा
क्षेत्र विधायक जी ने हावी बढ़ा दिया है और जितने भी हम तक किसी क्षेत्र में बात करें सड़कों की बात ले, आज पूरी सड़कें जो 12 फुट की 18 फुट है, 18 फुट की 33 फुट है और 33 फुट की सिक्स लाइन हो चुकी है, एक लाइन तक हमारी सड़कें हो चुकी है। किसी क्षेत्र में जाओ पूरे हरियाणा के अंदर आपको सड़कों का ऐसा बढ़िया सड़क तो बड़ा ही है। हमारे बीच में हमारे लगभग त्रावणी की सभी संस्थाओं से हमारे बीच में लोग पहुंचे हैं, हम उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत करते हैं। भारत विकास परिषद त्रावणी सर के संस जी, हंसराज पहुंचा जी, रमेश गुप्ता जी और हंसराज पहुंचा रमेश गुप्ता जी, रेलवे वेलफेयर एसोसिएशन भी यहाँ पहुंची है, हम उनका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत करते हैं। अब मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के उपाध्यक्ष, त्रावणी मंडल के उपाध्यक्ष श्री राकेश हंस जी वे बड़े विचार रखे। आज जन समूह देख रहे हैं, मुझे याद है जब इस पुल का निर्माण हुआ तो शहर में एक अलग खुशी थी, क्योंकि अक्सर कहा भी जाता है जब पुल बनता है वो एक छोर को दूसरे छोर से मिलाता है, लेकिन वही पुल हमारे इस त्रावणी के लिए एक कलंक का रूप बन गया था। और ऐसे समय में एक शहर जो दो हिस्सों में बट गया था और उस सभी हिस्सों को फिर एक रूप बनाने के लिए हमारे हरका के विधायक श्री भगवानदास कबीरपंथी जी ने जो कार्य किया है, अगर इसमें सचमुच से अगर जीवन मिला है तो इस कॉलोनी वासियों से पूछना जो हमारे जाने के बाद कहेंगे कि हमारे जीवन को एक नई सुगात दी है, तो इसका पूरा श्रेय हमारे भगवान दास कबीर पंथी जी को जाता है, हमारी बड़ी बहन जी को जाता है। क्योंकि जब जब भी इस विषय के ऊपर बात होती थी मिलकर एक बार बोलेंगे भारत माता की जय। धन्यवाद। हमारे बीच में त्रावणी के सभी पार्षद पहुंचे हैं, इनका भी हम पहुंचने पर स्वागत करते हैं। माँ झंडे वाली सेवा समिति से हमारे संजय नंद जी भी पहुंचे हैं, इनका भी स्वागत करते हैं। अब मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मास्टर अमर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें। ये बहुत त्रावणी के लिए बहुत जरूरी कदम है और भगवान ने और कबीर पंथी जी के अथक प्रयास ने, चोपड़ा जी के अथक प्रयास में से आज हम सफल हुए हैं और हमारे सारा शहर एक सा हो गया है, आने जाने में सुविधा हो गई है, क्योंकि कुछ कॉलोनियों के लोगों को 1-2 किलोमीटर चलकर इस पुल पर चढ़ना पड़ता था और फिर कई बार जाना पड़ता था। अब उनके और इसको ऐसे रूप में अकेला कर दिया है सारे संसार में कि एक भी देश उसके साथ नहीं है, और इसीलिए हमें मौका मिला है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें और पाकिस्तान को दिखाएं कि 13 उग्रवाद हमारे लोगों की, गरीब लोगों की, मासूम लोगों की हत्या, अब आपको नौकरियों में डूब रहा, आपको तबादलों में डूब रहा, आपको काम नहीं किया, पैसा अपने जेबों में डाला और अब कोई पैसा, सारा पैसा तो पहले भी था लेकिन अब वो पैसा नजर आ रहा है, और आपके सुख सुविधा के लिए खर्च हो रहा है। तो मेरी आपसे एक अपील है कि अब इस पार्टी के प्रेम और अपना आशीर्वाद इसके साथ बनाकर रखना, अब तो दोबारा अपना MLA भी बढ़ाओ, अपना MP भी बढ़ाओ और फिर और विकास और सुविधा और खुशी इस पार्टी से प्राप्त करो। जय। हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। और हमारे जिला कृषि मोर्चा के अध्यक्ष श्री सरवणा जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैडम जी, आपने हमारे करनाल जिले को बहुत कुछ दिया है और त्रावणी आदर मेहमान के योग हमारी बड़ी बहन गिरिन चोपड़ा जी, हमारे माननीय विधायक जी
हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता मास्टर अमर सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष जगमोहन जी, हमारे बड़े भाई पंकज गोयल जी, हुकम सिंह राणा जी, मैं शहर के सभी सम्मानित लोग, मैं आपका इस भगत सिंह चौक पे पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं मैडम जी से एक बात शेयर करना चाहता हूं। अश्विनी चोपड़ा जी जब हमारे सांसद बने थे, वो के जो दुकानदार थे उनके लिए कितना जरूरी है ये हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा भी बिजनेस इसी मार्केट के अंदर है, अंडरपास के है। विधायक जी से जब भी बात होती थी, विधायक जी हमेशा यही बात बोलते थे कि भी ये काम आपका होके रहेगा, और आज इन्होंने करवा दिया है। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि एक जोरदार तालियों के साथ इनका बहुत बहुत धन्यवाद करें। भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे हलके के लोकप्रिय विधायक, मैं तो कहूंगा कि विकास पुरस्कार विधायक श्री भगवान नारायण जी को। भारत माता की बहुत ही आदरणीय हमारी बड़ी बहन सांसद, हमारे लोकप्रिय सांसद अश्विनी चोपड़ा जी की धर्म पत्नी बहन किरण शर्मा चोपड़ा जी, बहुत ही आदरणीय हमारे जिला के जिलाध्यक्ष भाई जगमोहन आनंद जी, हमारे किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई सतीश राणा जी, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता मास्टर अमर सिंह जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई देवेंद्र कामरा जी, करनाल से आए प्रभाजी सुभाष शर्मा जी, किसान अपने ब्लॉक समिति के चेयरमैन भाई उत्तम सिंह राणा जी, भाई प्रवीण गुप्ता जी, भाई विजिंदर जी, और बैठे हुए सभी, मैं सभी को बचपन आप सबके बीच में बैठा है, सभी को वाइस बेस्ट जानता हूँ, लेकिन समय का अभाव है। सभी मेरी सामाजिक संस्था से आए हुए सभी वहाँ के प्रधान प्रतिनिधिगण, सभी संस्था अपने नगर पालिका के सभी पार्षदगण और शहर के सभी मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, मेरे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के सभी मेरे पत्रकार साथियों, आज मैं आप सभी को जो खास तौर से इस कॉलोनी के और जो मेरे दुकानदार भाई हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सबकी लगभग 15-20 वर्षों से ये डिमांड थी कि अंडरब्रिज बने, किसी कारणवश अंडरब्रिज नहीं बना तो ये ओवरब्रिज बना, लेकिन इसके बनने के बाद भी बहुत बड़ी परेशानी आई, लेकिन आज ये इसका काम शुरू हो चुका है। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे बीच में एक्शन दिलेर जी हैं और रेलवे के अधिकारीगण हैं कि आप सभी ने बड़ी मेहनत की और बड़ा प्रयास किया, तो जिसकी प्रयासों की वजह से आज ये हमारा एक जो सौगात आज हमें मिली है सभी शहरवासियों को, इसकी बहुत बहुत बधाई हो। साथियों, आज हमारे बीच में वैसे तो चोपड़ा जी ने आना था, लेकिन सभी आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे और डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है, तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए जहां जहां भी एमपी साहब की जाना होता है, काम होता है, तो बहन जी बड़ी बखूबी से निभा रही है, तो आज हमारे बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आई, तो मैं चोपड़ा जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मेरी प्रार्थना है कि हमारे साथी सुरेश गुप्ता जी, मेडिकोज वाले मल्लू गुप्ता जी, वो आज चेहरे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया इस अंडरब्रिज को बनाने के लिए, इसको मांग को मनवाने के लिए, लगातार जहां भी जाना नहीं इकट्ठे गए, तो कुछ मनमुटाव होगा, तो मेरी प्रार्थना है कि जहां भी हो तो आप यहाँ जाओ, ये आप सबके लिए, आप सबकी मेहनत है, आप सबका प्रयास है, तो कोई नाराजगी होगी तो बैठ के दूर कर लेंगे, क्योंकि आप सभी वर्षों से लगे हुए थे और जब इतना बड़ा काम आज ये होने जा रहा है तो आप सबको भी यहाँ उपस्थित होना चाहिए, मेरी प्रार्थना है ये कहीं भी हो आप भी बीच में जरूर आए। साथियों, जब अंडरब्रिज या ओवरब्रिज बन रहा था, इतनी दुविधा थी, जब भी कई रास्ते अंडर इस तरह के ओवरब्रिज बनते हैं, सरकार पहले एक रास्ता देती है ताकि
आने जाने का मार्ग मिले, क्योंकि लोगों को जब प्रयास करते रहे थक आकर लोग विल्लो खड़ी से निकलने लगे, सुल्तानपुर होके जाने लगे, और हमारे यहाँ बार बार हम प्रयास करते रहे कि कोई कच्चा रास्ता दे दो ताकि कोई स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ियां यहाँ से निकले, लेकिन इतनी ढेर सरकारें थी, हमारे जो यहाँ की जनता थी बार बार प्रयास करने के बाद भी उन्होंने ये मांग नहीं स्वीकार करी, और बेचारे इतने परेशान हुए, कई दुर्घटनाएं भी हुई, कई हमारे जो शहर के लोग थे उन्होंने अपनी जान से भी आज दोनों करा, क्योंकि कई दुर्घटनाएं दूध के टाइम में से निकलते थे मोटरसाइकिल पे, लेकिन गाड़ी नहीं दिखाई देती थी, कई हमारी बेटियां जो पुलिस में जाती थी अचानक दुर्घटना हुई और वो आज हमारे बीच में नहीं है। साथ ही बहुत परेशानियां चली, और ये मार्केट तो इतनी परेशान थी, बार बार इन्होंने नाराज होकर कुछ दिन इन्होंने धरना भी दिया, क्या करें, लोग परेशान थे, दिक्कत थी, इनका पूरा बिजनेस चौपट हो चुका था, किसी तरह का कोई काम नहीं था, लेकिन मैं भी बेबस था, क्योंकि 40 का जगह एक राइस मिल की आती थी, हमने उनके पास प्रार्थना की, हाथ जोड़े, सभी शहर के लोग जितने मोदी आदमी थे सभी वहां पर गए और प्रार्थना करी कि वो 40 दे दे, लेकिन उन्होंने हर बार उनसे निराशा मिली। चलो हमने फिर भी अपने जो भी अधिकारी थे, रेलवे के अधिकारी थे, अपने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे, उनसे निवेदन किया कि 40 मिनट जगह के बगैर भी आप थोड़ी कोशिश करो ताकि वो जो समस्या आ रही है वो दूर हो सके। तो बड़ी खुशी है कि वो अधिकारियों ने अच्छी अपने आर्किटेक्ट तैयार करके इस 40 मिनट जगह की वजह के बिना आज वो इसकी ड्राइंग तैयार की और उसको पास करवाया, तो जिसकी वजह से आज ये बड़ी वर्षों पुरानी बात है। मैंने हल्के में आज देखो दो एक कॉलेज की डिमांड करते थे, हमने मिसिंग में त्रावड़ी में दो कॉलेज बनवाए, बागवानी विश्वविद्यालय जिसपे 500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, आज बहुत दिन थल्ली में उसका कार्य शुरू हो चुका, काम चल रहा है। अपना पॉलिटेक्निक कॉलेज था वो हमने बनवाया, जहाँ पर मदनलाल जी ने कभी 2 एकड़ से कॉलेज बनाने के लिए पत्थर लगाया था, आज हमने वहाँ बसंते का निर्माण करवा रहे हैं। हमारे शहर का गंदा नाला था, आज वो मुगल किनार की तर्ज पर वहाँ को कवर किया गया है। आज निश्चित क्षेत्र में जाओगे वहाँ पर जो गंदा नाला था आज वो पाइप कोट बनकर तैयार हो चुका है। लगभग 7-8 स्कूल हमने अपग्रेड करवाए अपने हल्के के, जो वर्षों से बात कर रहे थे कि बच्चे ज़्यादा है बाहर जाना पड़ता है, स्कूल अपग्रेड कराए, और जितनी है सड़क देख रहा हूँ जीटी रोड से त्रावड़ी आएंगे ये लगभग 12-18 फुट की सड़क थी, और रोज दुर्घटना होती थी, साइडों में कच्चा रास्ता था, लेकिन हमने इसको 4 लेन कराने का काम किया और पूरी सड़क पर लाइटें लगवाई। आज आप रात को भी आओगे तो आपको पता लगेगा कि हम त्रावड़ी में नहीं, करनाल या किसी चंडीगढ़ में जा रहे हैं, आप देखना कभी हमारे इंदू साइड में जाएंगे। आज आपने वहां तहसील की बिल्डिंग की डिमांड थी, आज वहां 3.5 करोड़ की लागत से हमने तहसील की बिल्डिंग बनवाई है। हमारी जो सड़क थी इंदू खड़ी से लेकर कारसा तक वो 18 फुट की थी, आज आप देखोगे तो 33 फुट चौड़ी सड़क, आज उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। और सरकार ने सिर्फ डेवलपमेंट कोई त्रावड़ी या इंदू खड़ी इस क्षेत्र में नहीं, पूरे हरियाणा में समान रूप से काम कराया है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने डेवलपमेंट के साथ साथ जो एक बात कही थी कि हम राज करने के लिए नहीं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं, जो भ्रूण हत्या या भ्रष्टाचार से कौन था समाज को एक कलंक था, इनको मिटाने का काम किया। आज हमारी बेटियों की संख्या आज जहाँ 850 के आसपास थी, अब 900 करोड़ तक चुका है। जितना ज्यादा भ्रष्टाचार कई डिसनों में हो, कई कचहरियों में हो, उसे हमने पूरा करने का, उसको मिटाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने किया। साथियों हमने कोशिश किया है कि हम अपने हलके के लिए लगभग 3-4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, और हमने कोई शहरों के लिए भी जितने भी काम थे, आज कई गांव के सरपंच यहाँ बैठे हैं, एक सरपंच भी हम कहता हूँ कि मेरे गांव में 50 लाख से कम आया। हमने बार बार मुख्यमंत्री के जाकर वो मना करते थे, अभी मैंने बात करी मुख्यमंत्री से, कहा कुछ थोड़ी कमी है गाँव में और विकास कराना है, तो मैं अपना खाता उठा के देख लें पर चेक कर लूँ, अगर 90 विधानसभा में आपका सबसे ज्यादा ना हो फिर कहना तो आप, लेकिन तुम्हारा 10 दिन के बाद भी हमने डिमांड रखी तो 10 करोड़ रुपए फिर दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पर वो आज गांव में एस्टिमेट बढ़कर उसके फिर 10 करोड़ आएंगे और गांव का विकास होगा। साथियों जो आज ये अंडरब्रिज बन रहा है, मैं इसके लिए माननीय चोपड़ा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि चुनाव से पहले एक बार वो यहाँ आए थे, जैसे आज दौरा हुआ
तो उस वक्त वो साथ हमने यहाँ पूरा उनको दिखाया, खुद उस साइड पर जाकर देख कर आए और यही खड़े होकर उसमें पहले भी हम वैसे तो कांग्रेस की सरकार थी, हमने सरकार से रेलवे से भागदौर करके उसकी अप्रूवल ले ली थी, लेकिन यहाँ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ वहां कुछ लोग जाकर जो हमारे यहाँ के नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने वो कटवाने का काम किया था। पुल तो यह पहले भी बन जाता था लेकिन हमारी सरकार ने पैसे सरकार ने दे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन चोपड़ा जी ने यही खड़े होकर फोन किया और उसके बाद भी जब जब भी हमें जरूरत पड़ी हम वहां पर कार्यालय में गए और जिस भी अधिकारी को फोन करवाया था चोपड़ा चोपड़ा जी ने तुरंत फोन किया, जिसकी वजह से आज हमें सौगात मिली है। तो मैं सभी साथियों का जिन्होंने इसमें सहयोग किया सबका धन्यवाद करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी लगभग 5-4 महीने इस पर लगेंगे बढ़ने में, ये बढ़कर तैयार हो जाएगा और अपने शहरवासियों में एक बहुत बड़ी सुबह और साथ ही हमारे जितने आस पास के गांव लगते थे जो एक समस्या थी वो दूर होगी और आप सबके लिए बाकी जितनी भी और अभी समस्या अभी लोकसभा के चुनाव है और उसके बाद लगभग अक्टूबर में हमारे विधानसभा के चुनाव होने लगभग 7-8 महीने हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगले प्लान के लिए किसी के पास भी कोई वादा करने का अपने हल्के में, क्योंकि त्रावड़ी का 50 बेड का हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल तक बहुत छोटा था वो 50 बेड का मंजूर कर दिया माननीय मुख्यमंत्री ने, जिसका टेंडर लगने वाला है। नीलोखेड़ी का हॉस्पिटल 100 बेड का बनकर तैयार हो चुका है। समानाबाव में एक PHC वो उसका टेंडर हो चुका है, वो बनने को तैयार है। अपना नडाना पदाना इनमें 2 PHC मंजूर कराई है और अपना गुंदर गाँव में PHC का काम पूर्व मंजूर हो चुका है, टेंडर उसका हो चुका है, काम शुरू होने वाला है। वैसे जहाँ शिक्षा स्वास्थ्य है जहाँ जहाँ जरूरतें थी साथियों हमने जो जो क्योंकि एक गली का एक गांव का मुझे यहाँ पता था किस गांव में क्या जरूरत है, किस गांव में शहर में किस गली में क्या जरूरत है, अगर वहाँ नाली की जरूरत थी नालियाँ बनवाई, सड़कों की जरूरत थी सड़कें बनवाई। इसलिए साथियों आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी कोई बड़ी योजना नहीं है कि कोई आगे यह कहकर मैं आपके लिए यह बनवा दूंगा, कोई भी समस्या पेंडिंग नहीं है। जो जो वादे चुनाव से पहले हमने किए थे वो हमने उनसे भी ज़्यादा, क्योंकि कई ऐसी डिमांड थी जो हमने खुद जरूर समझी और वो हमने पूरा करने का काम किया। तो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये आने वाले समय चुनावों का है, क्योंकि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो लगातार अपने देश का नाम रोशन करने के लिए इस देश को विश्वपुर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है और आपने उनका डिसीजन लेने का और जिस तरह से उन्होंने विदेशों में घूम कर जिस तरह से भारत की इमेज बनाई थी पूरे विश्व को अपने साथ खड़ा किया, इसका उदाहरण आपने देख लिया होगा कि आज जब ये दुर्घटना हुई हमारे शरीर शहीद हुए पूरा देश आज भारत के साथ था। और उन्होंने जो एक कहते थे कि सिर्फ जुमलों वाली सरकार है, तो उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर जिस तरह से अपने सैनिकों का बदला लिया वो साथियों आज दर्शाता है कि हमने अपना जो विश्वास जताया था भारतीय जनता पार्टी में भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने, तो एक मजबूत नेतृत्व के आधार में भाई नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में सुरक्षित होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश और ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन साथियों बहुत गली छड़ी व्यवस्था थी, इसको सुधारने में अभी समय लगेगा, एक कोई 4-5 साल में जल्दी ठीक नहीं हो सकती। इसके लिए हमें एक मौका और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी को देना होगा, ताकि हमारे जितने भी और काम हो जितने अधूरे काम हो वो फिर एक बार पूरी ईमानदारी से, आज पूरी सरकार ईमानदारी से हमारे सांसद हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उनकी मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, सभी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो पहले जिस तरह से घोटाले होते थे रोज आप पढ़ते थे, इनसे छुटकारा मिला और आज लोगों को उन्हीं पर पीड़ा है जिनके आज 2 नंबर के दंधे बंद हुए, क्योंकि साथियों जब शरीर में कोई फोड़ा है तो जब तक उस पर रेशा उस पर दर्द होता है जब ऑपरेशन कराकर उसका वो रेशा निकल जाता है तो आदमी सुख शांति से चैन से रहता है, घर से आराम मिलता है। ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक फोड़ा, ये जो फोड़ था भ्रष्टाचार रूपी और इस तरह का बेईमानियों का, उसका आज ऑपरेशन किया है, लेकिन आज आम जनता ने आज सुख शांति और चैन से है। तो मेरी प्रार्थना है कि आने वाले समय में आप एक बार फिर हम अपना जो ये क्षेत्र है करनाल लोकसभा क्षेत्र, इसकी सीट पहले हमने 3.4 लाख से जीती थी, आने वाले समय में भारी मतों से जिताकर हमें माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की झोली में सीट डाल दी है और उसके बाद विधानसभा के चुनाव में
हमें सभी ने मिलकर फिर अपनी इस विधानसभा को जिताकर अपने पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ हमारे संपर्क सभी विधानसभा जितने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान दास कबीर पंथी, भगवान दास कबीर पंथी, हमारा नेता कैसा है? अब की बार बीच में हमारे भगत सिंह एसोसिएशन, भगत सिंह मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक बंसल जी और सुरेश गुप्ता जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं अशोक बंसल जी से निवेदन करूंगा।